नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो यहां पर हम बिहार की खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई से अच्छा खासा घमासान जो है वो यहां पर शुरू हो गया है। जो बिहार सरकार है उसने कानून में बदलाव किया है, जिसके चलते 27 कैदियों की रिहाई की जो अधिसूचना है उसे यहाँ पर जारी किया गया है, जो कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करती हुई नजर आ रही है। तो बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता हैं आनंद मोहन, अब उनकी जेल से रिहाई का जो रास्ता साफ हुआ है उसने कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। आनंद मोहन गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषी हैं और उम्र कैद की सजा वो काट रहे हैं। फिलहाल आनंद मोहन पैरोल पर बाहर हैं और आज ही उन्हें सहरसा जेल वापस भी जाना है। अब खबर यह है कि बुधवार या गुरुवार तक वो जेल से बाहर आ सकते हैं। बीजेपी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है कि आरजेडी की चालों के सामने घुटने टेकने के लिए नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। वहीं मायावती ने भी ट्वीट किया है कि आनंद मोहन ने एक दलित अधिकारी की हत्या की थी और उनकी रिहाई से जनता में गलत संदेश जाएगा। तो आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता एक तरह से साफ यहां पर हो गया है। तो यहां पर आपको ट्वीट हम दिखा देते हैं, अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि नीतीश सरकार के इस फैसले पर उन्होंने लिखा है कि आरजेडी की कुटिल चालों के सामने घुटने टेकने के लिए नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। बिहार सरकार ने बिहार जेल नियमावली 2012 में संशोधन कर ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी के हत्यारे श्रेणी के कैदियों को चुपके से हटा दिया, जिससे डॉन आरजेडी नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था, जो एक दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। सत्ता पर काबिज होने के लिए आपराधिक सिंडिकेट का सहारा लेने वाला क्या विपक्षी नेता के रूप में भी भारत का चेहरा हो सकता है? ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार, केजरीवाल से लेकर केसीआर तक भ्रष्टाचार, अपराध और अपने कम होती राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश भारत के विपक्ष के लिए साथ आने का जरिया है। तो ये अमित मालवीय का ट्वीट है, उन्होंने जमकर यहाँ पर निशाना साधा है। और उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, उन्होंने भी निंदा की है। लिखा है कि आनंद मोहन बिहार के कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। हम सीधा रुक कर रहे हैं यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, सबसे पहले यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, ये जो कानून में बदलाव हुआ है 2012 में संशोधन किया है जो बिहार जेल की नियमावली में, वो क्या है जिसके तहत ये जो बाहुबली नेता हैं इनकी रिहाई संभव हो पा रही है? देखिए अदिति, ये बिहार सरकार में एक नियम था कि अगर आप किसी हत्या के केस में सजा याफ्ता हैं और अगर आपने अपनी अधिकतम सजा पूरी कर ली है, यानी कि उम्र कैद की जो अवधि होती है 14 साल या 20 साल, अगर वो आपने पूरी की है तो आपको एक तरह से सरकार की तरफ से रिहाई का 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उस समय आपको उस आधार पर जो है आपका विचार किया जा सकता है। और लेकिन उसमें एक क्लाउज ये था कि अगर आपने किसी सरकारी अधिकारी की हत्या से अगर आप में अगर आपने सजा पाई है, तब ये जो क्लाउज है या ये जो रिलीफ है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन इसी में संशोधन किया गया और यही सारे विवाद की जड़ है। शुरू में ये भी एक सच है कि बिहार में किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंतर्गत इसके जो सबसे मुखर रहे थे वो हम पार्टी के जीतन राम मांझी या बीजेपी के नेता भी गाहे बगाहे उनकी रिहाई की मांग करते थे। लेकिन अब जो रिहाई का जो फैसला आया है उसके अंतर्गत कई सारे जो नक्सली नेता हैं उन्हें भी ये रिलीफ मिली है, कई सारे अन्य लोग भी जो थे उन्हें भी ये मिला है। ये कल भी जो सूची हुई जारी हुई है उसमें 20 लोगों की सूची है और राज्य सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है कि केवल इसे संशोधन आनंद मोहन के लिए किया गया है, अगर बीजेपी का विरोध है तो बीजेपी मुखर होकर सामने आए या बीजेपी चाहे तो हाईकोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकती है। अदिति,
जी मनीष, यहाँ पर दो तरह के आरोप यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और यहाँ पर इसलिए भी आपसे समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है यहाँ पर कि जिस तरह से सत्ता पर काबिज होने के लिए, आपराधिक सिंडिकेट का सहारा लेने के लिए और आरजेडी के सामने नीतीश कुमार झुक रहे हैं, वहीं पर मायावती आरोप लगा रही है कि ये दलित अधिकारी की हत्या हुई थी, तो इस तरह के आरोपों के बाद क्या जो नीतीश कुमार की कोशिशें चल रही हैं विपक्षी एकजुटता की, उसको राजनीतिक रूप से चोट पहुंच सकती है क्योंकि आरोप गंभीर लग रहे हैं? देखिए, विपक्षी एकता का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि बिहार में कांग्रेस सभी दलों ने इसकी इस मांग का या इसका कभी ना केवल इस मांग का समर्थन किया बल्कि इस मांग का कभी भी विरोध नहीं किया। और दूसरा यह कारण है कि चूंकि ये आनंद मोहन जो है उनका हर राजनीतिक दल से जो है कहीं ना कहीं संबंध रहा है, उनकी पत्नी जो है 2015 तक वो बीजेपी की सदस्य रही थी, बीजेपी ने ही उन्हें उस चुनाव में हम पार्टी से शिवहर से टिकट दिलवाया था और वो उसके उस समय एनडीए की उम्मीदवार रही थी। इसलिए जो आनंद मोहन का जो आप कह सकते हैं कि अभी हाल में उनके बेटे की शादी की तैयारी चल रही है, कल उनकी सगाई एंगेजमेंट सेरेमनी थी, तो उसमें आप देखेंगे कि हर दल के नेता जो हैं काफी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका अभी भी अपने जाति के वोटर पर, जो राजपूत जाति के वोटर हैं उन पर काफी उनका प्रभाव है। अदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तो अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से इस मुद्दे को उठाती है क्योंकि लगातार आक्रामक है नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा, और अब ये आनंद मोहन का जो मुद्दा नया सामने आया है उसको लेकर देखना होगा कि क्या कुछ अब राजनीति जो है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। सबसे पहले यहां पर आपको ये भी बता देते हैं कि आनंद मोहन आखिर है कौन। गोपालगंज की डीएम की हत्या के दोषी है आनंद मोहन, हत्या के केस में उम्र कैद की सजा उन्हें हुई है, वो सजा वो अभी काट रहे हैं और पैरोल पर फिलहाल वो रिहा है। हत्या, लूट, अपहरण जैसे कई मामले आनंद मोहन के ऊपर दर्ज है। 1990 में पहली बार सहरसा से जेडीयू विधायक आनंद मोहन बने थे और उसके बाद 1993 में बिहार पीपल्स पार्टी बनाई। 1994 में पत्नी जो है उनकी लवली आनंद वैशाली से सांसद बनी थी। 1996 1998 में शिवहर से वो दो बार सांसद भी चुने गए हैं और जेल में रहकर भी उन्होंने चुनाव जीता, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उनका रुतबा है और किस तरह के वो बाहुबली नेता यहां पर है। अब राजनीति इस पर अच्छी खासी गर्मा गई है। और उधर नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हुए हैं और इसी के तहत कल वो तेजस्वी यादव के साथ पहले ममता बनर्जी से मिले और उसके बाद अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने ये कहा कि कोई ईगो नहीं है, सब मिलकर हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार से गैर बीजेपी दलों की पटना में बैठक बुलाने की भी अपील की है। इसके बाद वो लखनऊ जाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की है। एक व्यस्त दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, जिन्होंने विपक्षी दलों को एक साथ लाने का जिम्मा उठा रखा है। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच ईगो की कोई समस्या नहीं है और सबका लक्ष्य बीजेपी को मात देना है। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था, अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। तो अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे, यही बात हुई है। लेकिन चुनौती बड़ी है। सूत्रों का कहना है कि एक उम्मीदवार एक सीट का फॉर्मूला बंगाल में टेढ़ी खीर होगा। कांग्रेस और सीपीएम टीएमसी का विरोध करते हैं और बीजेपी का मुकाबला करने के नाम पर भी उनका साथ आना आसान नहीं होगा। क्या नीतीश कोई समझौता करवा सकेंगे? ममता बनर्जी आशावादी हैं। पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है, हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। कोलकाता से लखनऊ नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ भी बैठे। उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार से मिलाकर 162 सांसद चुने जाते हैं। लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब, मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है।
बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव विपक्ष दलों के लिए अहम चुनाव है, इसीलिए आपस में मतभेद होने के बावजूद वो कांग्रेस के साथ एक साथ काम करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है। साथ साथ वो नीतीश फॉर्मूला पर, जिससे विपक्ष की तरफ से हर सांसदीय क्षेत्र में सिर्फ एक ही विपक्ष के कैंडिडेट खड़ा करने की एक प्रस्ताव है, उस पर भी वो चर्चा करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोच्चि में रोड शो किया। उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य की दो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, सत्ताधारी माकपा और विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने केरल के विभिन्न चर्च के शीर्ष पुजारियों से भी मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री दो दिनों के दौरे पर हैं और आज वो तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने जा रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां वो 3200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आज देश की पहली वाटर मेट्रो को भी देश को प्रधानमंत्री सौगात देने जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इससे पहले कल कोच्चि में उन्होंने एक मेगा रोड शो में हिस्सा लिया और केरल की पारंपरिक पोशाक पहनकर प्रधानमंत्री ने शुरू में पैदल रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ती हुई नजर आई। रोड शो के बाद सेक्रेड हार्ट कॉलेज के युवम 2023 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित किया। तो ये आप रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते वर्षों में केरला के युवाओं को नए अवसर देने के वो प्रयास नहीं हुए जो होने चाहिए थे। दो तरह की आइडियोलॉजी के संघर्ष में केरल का बहुत नुकसान हो रहा है। यहां एक आइडियोलॉजी है जो अपनी पार्टी को केरला के हित से भी ऊपर समझती है, वहीं दूसरी एक और आइडियोलॉजी एक परिवार को हर चीज से ऊपर रखती है। ये दोनों मिलकर हिंसा को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। केरला के युवाओं को इन दोनों ही आइडियोलॉजी को परास्त करने के लिए मेहनत करनी है। कर्नाटक की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार में अब सभी पार्टियां पूरी तरह से जुड़ गई हैं। राहुल गांधी भी कर्नाटक के दौरे पर चल रहे हैं। कल वो हंगल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का विधायक कहता है कि मुख्यमंत्री पद को 2500 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता है। इसका मतलब आपके भविष्य की कीमत भाजपा के मुताबिक 2500 करोड़ रुपए है। इनको 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार आप लोग इनको 40 सीटें दीजिएगा। और राहुल गांधी ने कुछ चुनावी वादे भी किए और कहा कि ये चार वादे सत्ता में आते ही हम पूरे करेंगे। पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जीएसटी किसानों पर लगी। जो जीएसटी है वो सिर्फ देश के अमीर लोगों की मदद करने के लिए लगाई गई। 5 अलग अलग टैक्स, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर। आधे लोगों को तो समझ नहीं आता ये जीएसटी कैसे भरनी है, कब भरनी है। और जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके पास अकाउंटेंट्स होते हैं, जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके पास अकाउंटेंट नहीं होते हैं, तो छोटे बिजनेस बंद हो जाते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में तो हम इस जीएसटी को बदलेंगे। एक टैक्स होगा और कम से कम टैक्स होगा। उधर अमित शाह भी कर्नाटक के दौरे पर रहे और वो बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। सोमवार को उनका रोड शो चला और इसके पहले वो लिंगायतों की तुष्टि करने में लगे रहे। उधर कांग्रेस की कोशिश लिंगायतों का खोया भरोसा फिर से हासिल करने की है। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप और सवालों का सिलसिला जारी रहा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
गत चुनाव में आपने जेडीएस को जिताया, अंत में क्या हुआ? कांग्रेस के साथ। कर्नाटक के चामराजनगर में अमित शाह की इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी। अमित शाह चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर भी पहुंचे। इससे पहले हासन में उन्होंने फिर एक बार मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कही। उधर रविवार को राहुल गांधी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार के साथ दिखे। फिर लिंगायतवाद के संस्थापक बसवर्णा की समाधि पर पहुंचे, कुडला संगम के दर्शन किए। बीजेपी ने इस पर भी एतराज किया। मैं वापस राहुल गांधी जी को पूछता हूं, बसवेश्वर के बारे में आपको क्या जानकारी है? बसवेश्वर ने सभी समाज को ये साथ लेके जाने का वादा किया था, एंड किया भी है, स्वतः किया है। एंड आप एक धर्म के लिए ज्यादा काम करने वाले हैं, वोट बैंक राजनीति आप किया है। दूसरी तस्वीर भी हाल ही की है, जब अमित शाह येदियुरप्पा के घर पहुंचे। फूलों का गुलदस्ता येदियुरप्पा से लेकर उनके बेटे विजेंद्रा को दिया, दिल जीत लिया। तनाव व कलिगा नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के बयान से पैदा हुआ था, जिसमें उन्होंने येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्रा पर सीधा हमला बोला था। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन इसके बाद की घटनाओं ने लिंगायतों और बीजेपी के बंधन पर सवालिया निशान लगा दिए। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से बीजेपी ने हटाया, लिंगायतों की नाराजगी स्वाभाविक थी। लेकिन मामला बिगड़ा जब पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया है असेंबली हारने के बाद भी, और दूसरे को सीएम तक बनाया, चीफ मिनिस्टर तक बनाया, और उसके बाद पार्टी छोड़ के जाना, ये उनके लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी, कांग्रेस अपने लिए इसे एक बड़ा मौका मान रही है, क्योंकि कुछ ऐसे ही हालात 1989 में बने थे, जब कद्दावर लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 224 में से 178 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। लेकिन अगले ही साल राजीव गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस के ज्यादातर नेता वीरेंद्र पाटिल के खिलाफ हो गए थे। वीरेंद्र पाटिल ने लिंगायतों को समझाया कि ये उनका अपमान है, और यहीं से कांग्रेस और लिंगायतों के बीच रिश्ते बिगड़े। अब जबकि दो बड़े लिंगायत नेता बीजेपी से अलग हुए, तो कांग्रेस ने इसे तूल पकड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वन थिंग इज क्लियर, एक चीज साफ है कि बीजेपी ने लिंगायत लीडरशिप की अनदेखी की है, उनको सम्मान नहीं दिया है। लक्ष्मण सावदी हो या जगदीश शेट्टर या फिर येदियुरप्पा, लिंगायत समुदाय के सभी नेताओं को जानबूझकर अपमानित किया गया है। कांग्रेस लिंगायतों के खोए भरोसे को जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी लिंगायतों के अपने जनाधार को बनाए रखने की कोशिश करती नजर आ रही है। लिंगायतों के बड़े नेता येदियुरप्पा इस बार चुनावी राजनीति में नहीं है, ऐसे में लिंगायतों को एक ऐसे नेतृत्व की तलाश है जो उनके वर्चस्व को बरकरार रख सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब अपने पहलवानों की बात करते हैं जो दूसरी बार धरने पर बैठे हुए हैं, और अब सात महिला पहलवान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं उनकी शिकायत लेकर। इन सात महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर FIR दर्ज की जाए। उनका कहना है कि उन्होंने 21 अप्रैल को ही थाने में शिकायत की, पर अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जल्द सुनवाई की मांग इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से की है, और आज इस मामले को मेंशनिंग सूची में शामिल करने की गुजारिश भी की है। इस बीच कल पहलवानों के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने खेल मंत्रालय की कमेटी से जांच रिपोर्ट मांगी है। यही कमेटी पहलवानों के आरोपों की जांच कर रही है। आपको बता दें, सात महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण सरंग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग को लेकर देश के कई नामी गिनामी पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर हैं, और उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती वो हटने वाले नहीं है, और इनका ये भी कहना है कि इन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में समलैंगिक शादी को लेकर आज फिर सुनवाई होगी। इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि अदालत की ओर से विवाह की मौलिक अवधारणा में परिवर्तन करना विनाशकारी होगा और इस मामले को विधायिका पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि समलैंगिक शादी की सम्मिलित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, जहां पर केंद्र, जमीयत जैसे कई संगठन इस तरह की शादियों का विरोध कर चुके हैं और सरकार की दलील है कि इस तरह के मामलों में फैसला करने का अधिकार सिर्फ संसद का है। समलैंगिक विवाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और इस बीच समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं की सुनवाई के बीच केंद्र के बाद अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी प्रस्ताव पास कर इसका विरोध किया है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पास कर इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ये अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है जिसका देश में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर असर पड़ेगा। देश के 99.9% से अधिक लोग समलैंगिक विवाह का विरोध करते हैं। ये काम विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। भारत जैसे देश में ये सेम सेक्स मैरिज को, समलैंगिक विवाह को हम मान्यता नहीं दे सकते। इससे हमारे देश की, हमारे समाज की जो मूलभूत संरचना है उस पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आने वाला जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये हमारे सामाजिक और धार्मिक जो हमारी परंपराएं हैं उस पर बहुत ही ज्यादा आघात पहुंचेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में मामले में दखल न देने को कहा था। केंद्र का कहना है कि यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र का है, ना कि अदालत का। समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, ये भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ भी है, लिहाजा सारी याचिकाओं को खारिज किया जाए। हालांकि सुनवाई कर रहे 5 जजों के संविधान पीठ ने इसे ठुकरा दिया था। अब बार काउंसिल के प्रस्ताव को दबाव बनाने की कोशिश कहा जा सकता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि बीसीआई के प्रस्ताव से सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। जो बार काउंसिल की टिप्पणी है, मैं समझता हूं वो जायज नहीं है। किसी भी पेंडिंग मैटर में बार काउंसिल की तरफ से टिप्पणी करना वो उचित नहीं है, क्योंकि बार सदस्य ही कोर्ट के सामने पक्ष और प्रतिपक्ष रखते हैं। मैं बार काउंसिल के इस मत से भी सहमत नहीं हूं कि 99% लोग ऐसे सोचते हैं या वैसे सोचते हैं। चाहे 1% को भी कुछ क्षति पहुंचती है तो उन्हें कोर्ट में आने का पूरा हक है और कोर्ट में पूरी सुनवाई का हक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया हो कि ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे मामले सुनते रहा है और फैसले भी देता रहा है। जाहिर है देश की सबसे बड़ी अदालत को ये पता है कि उसकी लक्ष्मण रेखा क्या है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। साल 2020 से ही भारत और चीन के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। उस समय पूर्वी लद्दाख में गलवान में जो हिंसा हुई थी उससे रिश्तों में तनाव आ गया था। अब हिंसा के बाद पहली बार है जब चीनी रक्षा मंत्री भारत में आ रहे हैं। ली शिंग शांगफू अगले हफ्ते गोवा में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO जो सम्मेलन है उसमें शिरकत करने के लिए भारत आ रहे हैं। गलवान घाटी में हिंसा के बाद ये पहला मौका होगा जब चीनी रक्षा मंत्री जो है वो भारत पहुंच रहे हैं। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर उमाशंकर सिंह का। उमा, ये काफी बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, वो अभी भी जो तनाव हुआ था गलवान में वो अभी भी बहुत ज्यादा, उसके बाद हालात सामान्य नहीं हुए, कई दौर की बातचीत हुई और उसके बाद भी छोटी मोटी हिंसा की जो झड़पों की खबरें हैं वो आई हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री का जो चीन के हैं भारत द्वारा काफी मायने रखता है। जी बिल्कुल, देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक है वो दिल्ली में होने वाली है 27-28 अप्रैल को, और चीन की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि ये खबर पहले आ गई थी लेकिन आधिकारिक तौर पे चीन की तरफ से अब पुष्टि की गई है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत के दौरे पे आएंगे। और इस बात की अहमियत इसको लेकर है क्योंकि PLA जिस तरीके से कई इलाकों में अभी भी वहां से डिसएंगेजमेंट उसने नहीं किया है, पीछे नहीं हटी है,
भारत लगातार जो कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है उसमें जो पुराने समझौते हैं उसकी याद दिला रहा है, चाहे वो 1993 बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट हो या 1996 अग्रीमेंट हो। तो सीमा पर जो एलएसी पर जो यथास्थिति बनाए रखने की और शांति बनाए रखने की जो संधियां हैं भारत और चीन के बीच, भारत उसको याद दिलाकर चीन को अपने कदम वापस खींचने को लगातार कहता रहा है और जो तनाव वाले इलाके हैं उसमें डिसएंगेजमेंट की बात करता रहा है। लेकिन अब जबकि ये दौरा हो रहा है, हालांकि एक मल्टीलेटरल फोरम पे दौरा हो रहा है जहां पर भारत समेत 9 सदस्य देश जो है एससीओ के वो होंगे, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वर्चुअली इसमें हिस्सा लेंगे, ये भी जानकारी है कि रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी इसमें शिरकत कर वो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है लेकिन वो आएंगे। तो एक ऐसे मल्टीलेटरल फोरम पर जब चीन के रक्षा मंत्री होंगे, ऐसी बात है कि भारत का जो कंसर्न है वो द्विपक्षीय तरीके से उनके साथ साझा करने की कोशिश होगी। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, लेकिन उम्मीद इस बात को लेकर लगाई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से भारत और चीन के बीच लगातार एक एंगेजमेंट का सिलसिला चला है, चाहे वो सैन्य कमांडर स्तर पे हो या फिर हमने देखा है कि कैसे विदेश मंत्रियों की भी आपस में बात हुई है, वांगी यहाँ आए भी थे। तो अब जबकि रक्षा मंत्री आ रहे हैं तो इस बाबत बातचीत आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और इस लिहाज से उनका ये दौरा जो है और ज्यादा अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर। तो जिस तरह से उमाशंकर बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री क्योंकि जो बैठक होने जा रही है वो 27-28 अप्रैल को दिल्ली में होने जा रही है, तो यहाँ पर चीनी रक्षा मंत्री भारत आ रहे हैं और उसी बीच में विदेश मंत्री ने ये भी यहाँ पर साफ कर दिया है पाकिस्तान को लेकर कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता है तब तक किस तरह की बातचीत पाकिस्तान से संभव नहीं है। और अब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं जहां मौसम ने ऐसी करवट ली है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। एक हफ्ते पहले पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में यह हाल था कि गर्मी और लू से लोग परेशान थे और इस हफ्ते भारी बारिश और तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों के घर परिवार तक उजड़ गए। संजय चौधरी और रतनदीप चौधरी की यह खास रिपोर्ट। पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में असामान्य तापमान महसूस किया। गर्मियों की शुरुआत में ही कई जगहों पर सीजन का उच्चतम तापमान पहुंच गया। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर पड़ा। हफ्ते भर पहले इस इलाके में तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा था, लेकिन इस हफ्ते अलग ही नजारा है। बारिश और तूफान की वजह से सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तबाही की तस्वीरें सबके सामने है। अपर असम का तिनसुखिया इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां पेड़ गिरने की वजह से सड़कें ब्लॉक हैं, स्कूल बंद है, बिजली सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। 24 साल के विकास प्रसाद, उनका 4 सदस्यों का परिवार तिनसुखिया के बंगला इलाके में एक झुग्गी में रह रहा था। एक पेड़ गिरने की वजह से दिहाड़ी मजदूर विकास का सब कुछ लुट गया, लेकिन किसी तरह उसका परिवार सुरक्षित है। घर सारा टूट गया है, सारा गाछ से चपटा हो गया है और हम लोग का बस रहने उने का कुछ भी ये साधन नहीं है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है। ऊपर आसाम अपनी आसाम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इसलिए हम लोग का काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और रोजी रोटी के लिए बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है। ऑल द लाइफ लाइन रोड्स ऑफ तिनसुखिया टाउन वाज स्नैप्ड। तूफान जबरदस्त था, पेड़ गिरने की वजह से तिनसुखिया की सभी सड़कें ब्लॉक हो गई। हमारी प्राथमिकता बिजली सप्लाई को बहाल करने की है। हम देख रहे हैं कि इस इलाके में आए दिन तूफान आने लगे हैं जिनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते ही उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा था और गर्मी के कारण लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे, स्कूल भी बंद कर दिया गया था कुछ राज्य में, और अब उत्तर पूर्व के बहुत हिस्सों में आंधी तूफान के चपेट में आ गए हैं लोग। त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में आंधी तूफान हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित है असम का तिनसुकिया ज़िला, जहां में जान माल का नुकसान भी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की कमी की वजह से आंधी तूफान आते हैं, लेकिन अब हमारे रिसर्च बता रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से नमी खत्म हो रही है। उत्तर में हिमालय और पूर्व में पहाड़ हैं, जिससे इन इलाकों में तेज तूफान आ रहे हैं। IIT की एक स्टडी के मुताबिक तिनसुखिया देश के उन 25 जिलों में से एक है जिनकी आबो हवा बदलने की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में माना जा रहा है। तिनसुखिया से संजय चक्रवर्ती और रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट।
तो गुड मॉर्निंग इंडिया में पिछले दो घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त हो गया है टॉप फाइव का। तो पहली खबर है बिहार के बाहुबली नेता और हत्या के दोषी आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और अब नीतीश कुमार पर बीजेपी और मायावती जमकर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी खबर मिशन केरल पर है प्रधानमंत्री, वंदे भारत और वाटर मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए थीम सॉन्ग से चुनावी वॉर जो है वो तेज हो गई है। सूडान में बचाव अभियान अब तेज हो गया है, ऑपरेशन लोटस भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। और पांचवी खबर केदारनाथ से खुल गए हैं कपाट, फूलों से सजा है बाबा का दरबार। आपको करना ये है हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, इन पांच में से खबर को चुनना है, उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।